भगवान अनंत के पूजन में क्या क्या सामग्री लगेगी पहले हम लोग जान लें, उसके बाद हम लोग पूजन की शुरुआत करेंगे। देखिए, ये कलश है, कलश के अंदर जल है, नॉर्मल जल, उसके अंदर गंगा जल है, फिर उसके अंदर सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, अक्षत, पुष्प, ये सब चीज वस्तु में डाली हुई है, और इसके नीचे अष्टदल कमल बनाया हुआ है चावल से। यदि आपको नहीं आता हो तो केवल चावल की ढेरी हो और उसके ऊपर आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने शालिग्राम भगवान को रखा हुआ है। जी हाँ, शालिग्राम भगवान है, और इसके अंदर शेषनाग की भी पूजा होती है, तो ये नाग देवता हैं। देखिए, नाग देवता तो भगवान शिव जी के पास भी हैं और हमारे विष्णु भगवान के पास भी हैं। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप लोग शिवलिंग भी रख सकते हैं। पूजा अनंत की है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान अनंत हैं। जैसे हम लोग गणेश जी की भी पूजा करते हैं ना, तो गणेश अथर्व शीर्ष में इनकी अनंत के रूप में ही स्तुति होती है। तुम ब्रह्माश, तुम विष्णु, तुम इंद्र, तुम वरुण, मतलब भगवान आप सभी कुछ हैं। तो इसलिए आप लोग झिझकना नहीं। यहाँ पर शालिग्राम रखा हुआ है, आप लोग शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग भी रख सकते हैं। लड्डू गोपाल हों आपके घर में तो लड्डू गोपाल रख सकते हैं। यदि ये कलश की स्थापना आपको ऐसे नहीं करनी है तो आप भगवान विष्णु जी की तस्वीर भी रख सकते हैं जिनके ऊपर शेष नाग हों। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी नहीं हो तो आप लोग सुपारी की स्थापना कर दीजिएगा कलश के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने दीपक जला रखा हुआ है और यहाँ पर गणेश जी को हमने स्थापित किया हुआ है। गणेश जी का पूजन तो सभी पूजन में किया ही जाता है, तो ये हमने पहले से पूर्व की तैयारी कर रखी है। अभी यहाँ पर हमको ऋतु फल चाहिए, जो भी फल आपको मार्केट में मिल जाए वो आप ले लेना। और यहाँ पर मैंने तुलसी पत्र रखा हुआ है, ये यहाँ पर पुष्प तोड़ कर रखे हुए हैं। देखिए, हम लोग अनंत के 108 नामों की स्तुति करेंगे। इसके अंदर एक नाम पर एक तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। तुलसी पत्र खत्म हो जाए तो आप पुष्प चढ़ाना, पुष्प भी खत्म हो जाए तो आप केवल जल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। भावना से आप जो भी भगवान को चढ़ाएंगे ना, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। मेरे पास तुलसी पत्र तो ज़्यादा थे लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं रखा, क्योंकि आप लोग को पता चले कि तुलसी पत्र नहीं हो ज़्यादा तो आप लोग पुष्प को इस प्रकार से तोड़ लेना। और ये पुष्प 108 बार हमें चढ़ाना है, मैं पूजन में आगे बताऊँगा 108 नामों पर। यह है धूपदानी, इसके अंदर धूप आप लोग तैयार करके रख लेना। फिर यहाँ पर आचमन आदि के लिए लोटे में जल है, उसके अंदर गंगा जल मिला लेना। फिर ये देखिए 5 चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को मिलाकर पंचामृत भी बनता है। तो पंचामृत आप लोग बना सकें तो पहले भगवान को हम लोग पंचामृत से स्नान कराते हैं, नहीं तो पहले दही रखी है, फिर दूध है, कच्चा दूध होना चाहिए, फिर गुड़ का पानी है, फिर यहाँ पर शहद है और ये घी है, घी गाय का होना चाहिए। ये चीज़ें मिल जाएं आपको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इन चीज वस्तुओं की जगह पर पुष्प और अक्षत चढ़ा सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी चीज वस्तु आपके पास नहीं है तो केवल पुष्प और अक्षत चढ़ा देना उसी चीज वस्तु की भावना से। यहाँ पर मेरे थाली में देखिए तिलक आदि की सामग्री रखी हुई है। यहाँ पर कुछ रक्षा सूत्र रखा हुआ है जो वस्त्र के रूप में हम लोग अर्पित करते हैं। पुष्प है यहाँ पर, और सबसे मुख्य चीज ये मंजरी के साथ तुलसी पत्र, ये होना चाहिए। हम लोग अनंत की पूजा में चढ़ाएं, विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाएं। यदि आपने कलश के ऊपर शिवलिंग की स्थापना की है ना, तो भी आप लोग तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा ही नहीं है। शिव जी को कुमकुम भी चढ़ता है, हल्दी भी चढ़ती है, सब कुछ चढ़ता है, ये मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। तो आप लोग केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करिएगा। यदि आपने यहाँ पर शिव जी को रखा है तो भी आप लोग तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइएगा। किसी भी शिव पूजन में आप लोग तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। ये है दौना, ये भगवान विष्णु को ना बड़ा ही प्रिय है, बहुत सुंदर खुशबू आती है इसके अंदर से। आपको मिल जाए तो आप लोग रख लेना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ मिल जाए तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये आपके पास जरूर होना चाहिए। ये देखिए, ये है अनंत का धागा कहते हैं इसे, अनंत सूत्र कहते हैं। किसी भी प्रकार का आप लोग सूत्र लेना, थोड़ा मजबूत होना चाहिए। उसके अंदर 14 गांठें लगा देना,
देख इस प्रकार से छोटी छोटी गांठें लगा देना ताकि आप लोग अपनी कलाई पर बांधें, तो इसे एक वर्ष तक बांधे ही रखें। माताएं बहनें आप लोग अपने लेफ्ट हैंड पर बांधेंगी, लेफ्ट हैंड की कलाई पर यानी बाएं हाथ पर, और भाई और जो भी पुरुष हैं वे अपने दाहिने हाथ पर बांधेंगे इसे। और ये रक्षा सूत्र है एक तरह से। देखिए 14 गांठें 14 भुवनों के प्रतीक हैं, मतलब भगवान अनंत आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। ये रक्षा सूत्र आपके हाथ में होगा तो भूत प्रेत आदि आपको परेशान नहीं कर सकते। ये रक्षा सूत्र जब तक आपके साथ रहेगा, लक्ष्मी जी आपके साथ रहेंगे। ये रक्षा सूत्र की इतनी अद्भुत महिमा है। लोग विलाप करते हैं ना कि हमें लक्ष्मी प्राप्ति की साधना बताओ, या आप अनंत की पूजा केवल कर लीजिए, ये बस पर्याप्त है अपने आप में। ये रक्षा सूत्र आपके हाथ में होना ही चाहिए। देखिए मैंने नैवेद्य रखे हुए हैं जो हम लोग चढ़ाएंगे आगे, और ये एक खाली बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। अब ये पुष्प है, दक्षिणा है, और ये तुलसी पत्र है। तो ये हमारी पूजन सामग्री हो गई, पूजन की पूर्व तैयारी हो गई। आप लोग इसी प्रकार से तैयारी कर लेना। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। पूजन शुरू करने से पहले आप गंगा जल ले लेना लोटे में, जो आपने रखा हो पहले से, उसे कुशा से छिड़क देना, अथवा तो आम के पल्लों से उसे, अथवा तो पुष्प से ही आप उस जल में थोड़ा डुबाकर पूरे सामग्री पर छिड़क देना ताकि सामग्री की शुद्धि हो सके। उसके बाद स्वयं को तिलक कर लेना। तिलक करने के बाद अपना हाथ धो लेना। उसके बाद हम लोग पूजन शुरू करेंगे। बाकी जो लोग घर पर करना चाहते हैं सुगम रीति से, तो उनके लिए ये वीडियो पर्याप्त है। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे। गणेश भगवान का हम लोग आवाहन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणपतये नमः। गणेश जी का हमने आवाहन कर लिया। आसन तो हमने पहले से ही दे रखा है पान के पत्ते का। अब हम लोग गणेश जी के चरणों को प्रक्षालित करेंगे। कुछ बूंदे फूल से आप लोग टपका देना गणेश जी के ऊपर। अर्घ प्रदान करेंगे फिर से। अब हम लोग भगवान को स्नान के लिए जल समर्पित करेंगे। फिर से समर्पित कर देना। अब हम लोग भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। अब जनेऊ अर्पित करेंगे। भगवान को हम लोग तिलक करेंगे। पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भोग लगाएंगे गणेश जी को। घंटी हो तो इस समय घंटी बजा सकते हैं। हम लोग दीपक का पूजन करेंगे। दीपक के पूजन के लिए आप लोग एक पुष्प लेना, उसके अंदर चंदन लगा देना, अथवा तो कुमकुम लगा देना, ऐसे इस प्रकार से, और ये दीपक को अर्पित कर देना। ये हमने गंध पुष्प अक्षत सॉरी ये हमने गंध अर्पित कर दिया। ये हमने तिलक अर्पित किया दीपक को। अब दीपक के आगे भी एक नैवेद्य रख देना। अग्नि देवता है ना, अग्नि देवता के प्रतीक हैं दीपक, इसलिए इनका पूजन ऋतुफल रख देना। कलश का पूजन करेंगे तो कलश के लिए भी ऐसे ही आप एक पुष्प लेना। हमने पहले से तिलक कर रखा हुआ है तो पुष्प लेकर पुष्प अर्पित कर दें। तो हम सबको दीप दिखाएंगे, फिर धूप दिखाएंगे। धूप आप लोग जला लेना। अब हम लोग कलश पर स्थापित भगवान अनंत का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि उनका आवाहन करें। आवाहन के लिए हम लोग पुष्प ले लें हाथ में, अक्षत ले लें, वो का पढ़ लेना। ओम शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। देखिए आपको कोई भी श्लोक नहीं आता हो, कोई भी मंत्र नहीं आता हो, तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेना और बस इतना बोल देना कि हे भगवान आप पधारिए यहाँ पर, हम आपका पूजन कर रहे हैं। बस भाव होना चाहिए। भाव की मुख्यता है, भाव की प्रधानता है।
भगवान का हमने आवाहन कर लिया, अब हम लोग भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालित करेंगे, उसके बाद अर्घ अर्पित करेंगे, फिर स्नान कराएंगे, है ना। तो अब हम लोग भगवान को नीचे रखते हैं, यहाँ पर हम लोग उनके चरण धुलाएंगे, अर्घ आदि अर्पण करेंगे। आपको नाग सहित नीचे लेकर आना है भगवान को, ऐसे भगवान के लिए आसन तैयार कर लेना नीचे, शालिग्राम भगवान के लिए या शिवलिंग रखे हैं तो शिवलिंग के लिए। और अब हम लोग भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालित करेंगे, इस भावना से भगवान को हम लोग जल अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। शंख हो तो आप लोग शंख से भी अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग भगवान को अर्घ अर्पित करेंगे, तो फिर से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। यदि आप लोगों ने शिव जी को रखा है तो आप लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी करें। ये भगवान विष्णु जी अनंत हैं, भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं, भगवान गणपति अनंत हैं, भगवान शिव अनंत हैं, माँ दुर्गा अनंत हैं, सब देवी देवता हमारे अनंत हैं। उस विभु व्यापक तत्व को वे लोग प्रत्यक्ष रूप से आत्मभूत करके बैठे हुए हैं, इसलिए ये सभी अनंत हैं। तो अब हम लोगों ने अर्घ अर्पित कर दिया, अब हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हम लोग दही से स्नान कराएंगे भगवान को। कोई मंत्र नहीं आता हो आपको तो भगवान का नाम जपते हुए, गुरु मंत्र जपते हुए भी आप लोग भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब हम लोग दुग्ध से स्नान कराएंगे। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। अब हम लोग मीठे जल से, मैंने गुड़ का पानी तैयार रखा था। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब हम लोग शहद से स्नान कराएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर हम लोग घी से स्नान कराएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब हम लोग भगवान को स्वच्छ जल से शुद्ध स्नान कराएंगे। तो आप भगवान को निकाल लेना और ये आप लोग अलग रख देना। अब हम लोग भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान के लिए मैंने बर्तन बदल दिया है, अब इस बर्तन में हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। भगवान का स्नान हो गया, अब हम लोग भगवान को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद भगवान को हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे, तुलसी जी की मंजरी अर्पित करेंगे, दौना पत्ता मैंने रखा है। अब हम लोग भगवान को 108 नामों द्वारा भगवान की स्तुति करेंगे। भगवान का श्लोक आता है ना आरोग्य के लिए, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, ये सब भगवान के ही नाम है, भगवान नारायण के ही नाम है। तो अब देखिए हम लोग 108 नामों द्वारा भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाते जाएंगे। आप लोग चढ़ाते जाना साथ में, ये नाम यहाँ से पढ़ा जा रहा है। ओम अनंताय नमः, या तो आप नीचे रखिए या तो ऊपर रख सकते हैं, मैं नीचे रखता हूँ क्योंकि वीडियो बनाना है ना, तो आप लोग ऊपर रखते जाना, मैं नीचे रखूँगा, है ना। ओम अच्युताय नमः, ओम अद्भुत कर्मणे नमः, ओम अमित विक्रमाय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अखंडाय नमः, ओम अग्नि नेत्राय नमः, ओम अग्नि वपुषे नमः,
ओम अदृश्याय नमः, ओम अत्रिपुत्राय नमः, ओम अनुकूलाय नमः, ओम अमृताशने नमः, ओम अनघाय नमः, ओम अप्सुनिलाय नमः, ओम अहराय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम अनिविष्टाय नमः, ओम अचंचलाय नमः, ओम अशब्दादिकाय नमः, ओम अचलरूपाय नमः, ओम अखिलधाराय नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम अरूपाय नमः, ओम अभयंकराय नमः, ओम अक्षताय नमः, ओम अवपुषे नमः, ओम अयोनिजाय नमः, ओम अरविंदाक्षाय नमः, ओम अशनवर्जिताय नमः, ओम अघोक्षजाय नमः, ओम अदिति पुरुषाय नमः, ओम अंबिकापति पूजिताय नमः, ओम अपस्मारनाशिने नमः, ओम न्यायाय नमः, ओम अनादिने नमः, ओम अप्रमेयाय नमः, ओम अघशत्रवे नमः, ओम अमरारिघ्नाय नमः, ओम अनिश्वराय नमः, ओम अजाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम अनाधिनिधनाय नमः, ओम अमरप्रभवे नमः, ओम अग्रहाय नमः, ओम अक्रूराय नमः, ओम अनुत्तमाय नमः, ओम अरूपाय नमः, ओम अन्वे नमः, ओम अमोघाधिपतये नमः, ओम जयाय नमः, ओम अक्षमाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम अमोघवीर्याय नमः, ओम अव्यंगाय नमः, ओम अविघ्नाय नमः, ओम अतीन्द्रियाय नमः, ओम अतितेजसे नमः, ओम अमितविक्रमाय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अनिलाय नमः, ओम अवशाय नमः, ओम अणोरण्यसे नमः, ओम अशोकाय नमः, ओम अरविंदाय नमः, ओम अधिष्ठानाय नमः, ओम अमितनयनाय नमः, ओम अरण्यवासिने नमः, ओम अप्रमत्ताय नमः, ओम अनंतरूपाय नमः, ओम अनलाय नमः, ओम अभिशाय नमः, ओम अस्त्ररूपाय नमः, ओम अग्रगण्याय नमः, ओम अपनेयाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अचिन्त्याय नमः, ओम अपाम्निधये नमः, ओम अरविंदाय नमः, ओम अमरप्रियाय नमः, ओम अष्टसिद्धिदाय नमः, ओम अरविंदाय नमः, ओम अनघाय नमः, ओम अर्थाय नमः, ओम अक्षोभ्याय नमः, ओम अर्चिष्मते नमः, ओम अनेकमूर्तये नमः, ओम अनंत ब्रह्मांडपतये नमः, ओम ब्रह्मांडनायकाय नमः, ओम अनंत शयनाय नमः, ओम अमराधिपतये नमः, ओम अनाधाराय नमः, ओम अनंतनामने नमः, ओम अनंतश्रिये नमः, ओम श्रीपतये नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम अक्षरमस्थाय नमः, ओम आश्रमानिताय नमः, ओम अन्नदाय नमः, ओम आत्मयोनये नमः, ओम अग्निपतये नमः, ओम अवनीधराय नमः, ओम अनादिने नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम व्यक्ताय नमः, ओम अनंताय नमः। ये हमने भगवान की 108 नामों द्वारा स्तुति और तुलसी पत्र पुष्प अर्पण करने का विधान पूरा किया। अब हम लोग भगवान को धूप दिखाएंगे। ये अनंत का डोरा अब भगवान के ऊपर हम लोग चढ़ा दें, पुष्प और अक्षत लेकर इसके ऊपर फिर से चढ़ा दें अनंत के डोरे के ऊपर। ये ऐसे ही कुछ देर रहने देना, फिर उसके बाद हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवान को।
जो भी हमने बनाया हो वो हम लोग अर्पित कर सकते हैं। हमारे घर में जो भी मिष्ठान आदि बना हो वो हम लोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी पत्र होना जरूरी है जो भी हम लोग भोग अर्पित करें। ये हो गया अनंत का पूजन। अब हम लोग आरती करेंगे, लेकिन आरती के पहले हम लोग हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर शांतिपूर्वक मौन पूर्वक बैठ जाएं और अनंत की कथा हम लोग सुने। अनंत की कथा हमारे इसी YouTube चैनल पर अपलोड हो जाएगी या हो गई होगी। ये पूजन आपको जब सुनने मिले तो शायद अपलोड हो गई होगी, अथवा तो इस पूजन के बाद अपलोड हो जाएगी। तो ये कथा आप लोग जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद ये द्रव्य आप अनंत भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। आप लोग आरती कर लीजिएगा, सबसे आखिरी में आरती होगी। आरती में ओम जय जगदीश हरे आप लोग गा सकते हैं। आरती पूरी करने के बाद आप लोग इसे 3 बार पानी से ऐंछिएगा। उसके बाद पूरे घर में यह आरती दिखाइएगा, फिर स्वयं आप आरती लीजिएगा, ये भगवान के पास आप लोग रख दीजिएगा। ये हो गई अनंत भगवान की पूजा संपूर्ण। उसके बाद ये डोरा आपको अपने हाथ पर बांधना है। ये डोरा फुल्ली रिचार्ज हो चुका है। आज के दिन का प्रभाव ऐसा है, अनंत चतुर्दशी कहते हैं, तो आज के दिन का बड़ा ही उत्तम प्रभाव है। इसके अंदर ऐसे ही भगवान की शक्ति आ जाती है इस डोरे में। आप लोग भाई लोग अपने दाएं हाथ में और बहने माताएं अपने लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में आप लोग बांध लेना। और ये धागा कब तक बांधे रखना है कि जब तक आप लोग बांधे रख सकते हैं बांधे रखिएगा इसे। यदि आप लोग इसे उतारना भी चाहते हैं तो खूब आदरपूर्वक इसे उतारिएगा और इसका विसर्जन कर दीजिएगा। इसका अपमान न हो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। और हो सके तो मेरे कहने पर आप लोग इसे 1 वर्ष तक बांधे रखिएगा। ये हर चीज से आपकी सुरक्षा करेगी, धन धान्य की वृद्धि करेगी। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही शास्त्रीय तिथि और त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और फिर से मिलना है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए। हरे कृष्ण।